Hello everyone. As you know, we are doing chapter number 13, Organisms and Population. This is part 4th, class 12th, Biology. In this video, we'll cover the topic population interactions, and in this population interactions, we'll cover only two things. One is predation, other is competition. As I have told you that in any area, only one species नहीं रहती हैं, many species they live together and form the community. जब बहुत सारी species रहेंगी तो definitely उनके बीच में interaction होगा, कोई competition होगा, कोई fight होगा, कोई इकट्ठा भी रहना चाहेंगे. This is called as inter-specific interactions. There are six types: mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism एंड अमेंसेलिज्म. चलिए इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से देखते हैं. हमारे पास दो स्पीशीज हैं, ए और बी. हमने तीन तरीके के साइन यूज किए हैं. एक यूज किया है प्लस बेनिफिटेड, यानी एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं. हार्म, जिसको नुकसान हो रहा है. जीरो, जिसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. म्यूचुअलिज्म में देखिए, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, यानी ए प्लस बी प्लस, दोनों को फायदा हो रहा है. इन कॉम्पिटिशन, बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, दोनों को नुकसान हो रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं वो. माइनस, ए में माइनस, बी में भी माइनस. प्रीडेशन, वन इज प्रीडेटर इज बेनिफिटेड, अदर प्रे इज हार्म्ड. एक प्रीडेटर जो है उसको फायदा हो रहा है, प्रे को नुकसान हो रहा है. ए प्लस बी माइनस. पैरासिटिज्म, वन पैरासाइट इज बेनिफिटेड, पैरासाइट को फायदा हो रहा है और होस्ट को नुकसान हो रहा है, तो ए प्लस बी माइनस. कमेंसलिज्म, वन इज बेनिफिटेड, एक को फायदा है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, अनअफेक्टेड है, तो ए इज पॉजिटिव, बी इज जीरो. एंड अमेंसलिज्म, वन इज हार्म्ड, अदर इज अनइफेक्टेड, एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो ए इज माइनस, बी इज जीरो. इन सारे इंटरेक्शंस के अंदर प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ऐसे हैं जिसमें दोनों स्पीशीज बहुत क्लोजली आपस में क्लोजली रहती हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे वो फायदे में हो, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीडेशन. प्रीडेशन में, व्हाट इज प्रीडेशन? प्रीडेशन में क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं. वन इज अ प्रीडेटर, अदर इज अ प्रे. एक जो किसी को पकड़ के खाता है और एक जो जिसको खा रहा है. जो खाता है, यानी एक सपोज एग्जांपल है मेरे पास, एक लायन, एक डियर. लायन इज अ प्रीडेटर, जो डियर को खाता है. डियर इज अ प्रे, जिसको लायन खा रहा है. तो प्रीडेटर एंड प्रे का रिलेशन है इसके अंदर. अगर इकोलॉजिकली हम देखें तो जितने भी कॉर्निवोर्स हैं, जितने भी हर्बीवोर्स हैं, ऑल दीज आर प्रीडेटर्स, क्योंकि वो किसी ना किसी को खाते हैं. एंड अबाउट 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, जो प्लांट्स को खाते हैं. इंसेक्ट्स प्रीडेटर के लिए एक टर्म यूज किया गया है, प्रूडेंट. प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? ये प्रीडेटर्स वो होते हैं जिनकी वजह से प्रे जो होते हैं कई बार खत्म हो जाते हैं, एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. इतना वो ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, इतना उनको खाते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो बेचारे प्रे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उस एरिया से, या पूरे वर्ल्ड से भी हो सकते हैं. और जब प्रे ख़त्म हो गया तो प्रीडेटर का तो खाना भी ख़त्म हो गया, तो अल्टीमेटली प्रीडेटर भी फिनिश हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. सो देयरफॉर प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट्स. तो फिर फायदा क्या है भाई प्रीडेटर्स का, प्रीडेटर्स होने का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा प्रीडेटर का है, प्रीडेटर कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं. अगर प्रीडेटर ना होता तो प्रे भी बेशुमार बढ़ जाते एरिया के अंदर. जैसे कि एक एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस का, जो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में, और उसने तूफान मचा दिया था, हैवक मचा दिया था, चारों तरफ फैल गया था. अब वो बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने एक कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मौत को उस वहाँ पर भेज दिया, वहाँ पर डाल दिया.
अब ये जो मॉथ था सारे प्रिकली पेयर को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगा, उनका फूड था वो खाने लगा और धीरे धीरे कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल में उनके आ गई। सो प्रीडेटर्स कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। यहाँ पर प्रीडेटर कौन है? मॉथ। और प्रे कौन है? कैक्टस। प्रिकली पेयर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फायदा है प्रीडेटर्स का कि ये एनर्जी का फ्लो होता है इसके अंदर से, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरे को दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खाता है, इस तरह से जब एक दूसरे को ऑर्गेनिजम्स खाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सो प्रीडेटर्स दे हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम ऑल्सो। और देखिए क्या फायदा है प्रीडेटर्स का, प्रीडेटर्स दे हेल्प इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल? हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? अपने बायोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। खेतों में जब अनाज उग रहा है उनमें जो कीड़ा लग गया है, पेस्ट जो लग गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खेतों में भेज दिया कि जा भाई तू उस पेस्ट को खा और ख़त्म कर दे उसको। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल मैथड ऑफ पेस्ट। तीसरा फायदा क्या है कि दे मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर एक एरिया में 30 वेराइटी के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और अगर प्रीडेटर वहाँ से ख़त्म हो जाए तो ये 300 के 300 जो वेराइटी रह गए थे आपस में लड़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये ख़त्म कर देंगे, यानी उस एरिया में 30 के बजाय अब 15 वेराइटी रहने लगेंगी, बाकी को ख़त्म हो गई। एग्जाम्पल इसके लिए देखिए स्टारफिश पिजास्टर का है। ये स्टारफिश है पिजास्टर जो इंटर टाइडल एरिया में रहते थे कोस्ट में, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के में। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इन स्टारफिश को निकाल दिया गया एक थोड़े से इंटर टाइडल एरिया से, ठीक है। अब जब इसको स्टारफिश को निकाल दिया तो उस एरिया में रहने वाले 10 इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों भाई? जब उसको निकाल लिया तो 10 इन्वर्टिब्रेट्स जो थे, जो बाकी इन्वर्टिब्रेट्स थे वो ग्रो होने लगे तो उनके बीच में लड़ाई होने लगी, कॉम्पिटिशन होने लगा, ठीक है। जब कॉम्पिटिशन होने लगा, स्पीशीज में कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो देखिए अब प्रीडेटर का तो देख लिया हमने, अब देखिए कि बेचारा प्रे क्या करे? क्या प्रे भी कुछ अपने आप को बचाने के लिए कुछ करता है? यस, उसके अंदर भी मैकेनिज्म्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। पहला डिफेंस मैकेनिज्म उसके पास है कैमोफ्लेज, अपने आप को छुपा लेता है क्रिप्टिक कलरेशन में, यानी अपने आप को अपना कलर वैसा कर लेता है जैसा एनवायरनमेंट का है। जैसे गिरगिट कैमिलियन, कैमिलियन अगर वो लीव्स में बैठी हुई है तो ग्रीन कलर है, रॉकी एरिया में बैठी हुई है तो ग्रे कलर है। तो इट चेंज द कलर एज पर द एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, ये अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाने के लिए इनका कलर इस तरह से बनाया गया है। दूसरा, इन कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं कि भाई इसको तो खा ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो पॉइजन। फॉर एग्जांपल, एक और भी एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई का। मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो बिल्कुल, अब जो बर्ड इसको खाती है ना उसके लिए, बर्ड इसको पसंद नहीं करती खाना, उसको टेस्ट नहीं आता, डिसटेस्टफुल है ये बर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है बॉडी में। इस बटरफ्लाई में एक केमिकल है जो उसको पसंद ही नहीं आता बर्ड को खाना, तो ये तो बच गई। तो ये केमिकल आया कौन सी स्टेज में, कब इसने बना दिया बटरफ्लाई ने? इन इट्स कैटरपिलर स्टेज, जब वो पॉइजनस वीड को खा रही थी, जहरीली घास को खा रही थी कैटरपिलर, तब उसके अंदर ये केमिकल आ गया और वो केमिकल परमानेंट इसके अंदर हो गया और इस मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने आप को बर्ड से बचा लिया। सो दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म। अब प्लांट्स भी पीछे नहीं है डिफेंस के लिए, प्लांट्स को तो सारा टाइम एनिमल्स खाते हैं, तो फिर क्या करें? प्लांट्स में थॉर्न्स होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और जैसे कि एग्जांपल है अकेशिया एंड कैक्टस, तो पास में ऑर्गेनिज्म जा नहीं पाते हैं। दूसरा, कुछ एनिमल्स, जैसे एनिमल्स ने अपना केमिकल बनाए थे, ऐसे प्लांट्स भी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो हर्बीवोर्स को बीमार कर देते हैं, इन प्लांट खाने वाले और एनिमल्स को बीमार कर देते हैं। उनकी खाना इनहिबिट, उनकी जो फीडिंग कैपेसिटी है वो इनहिबिट हो जाती है, डाइजेशन उनका पुअर हो जाता है, रिप्रोडक्शन वो कर नहीं पाते हैं और कई बार मर भी जाते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एक ऐसा पॉइजन बनाता है जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसकी वजह से इसको, कैलोट्रोपिस को कैटल और गोट्स नहीं खा सकते।
इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अलग अलग तरीके के केमिकल बनाते हैं। कुछ केमिकल्स हैं निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रिक्निन, ओपियम, ये सारे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाते हैं अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, जो इनको जो चारा चरने आते हैं एनिमल्स जो खाते हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइटिंग के लिए केमिकल बना के रखे हुए हैं। नेक्स्ट इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इज कॉम्पिटिशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। यानी अगर दो स्पीशीज हैं, दो में से एक अपने आप को बहुत डोमिनेंट रखती है तो दूसरी बेचारी कहती है भाई मैं तो तेरे साथ रह नहीं पाऊंगी। तो फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर, तो दूसरी वाली की जो फिटनेस है वो कम हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इस तरह का कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है, उससे न्यू न्यू चीज़ें इवॉल्व होती हैं, न्यू न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। कॉम्पिटिशन कब होता है? कॉम्पिटिशन ऑकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जब बिल्कुल आसपास रहने वाली स्पीशीज जो हैं वो सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए फाइट करती हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में। अनरिलेटेड स्पीशीज भी कम्पीट करती हैं फॉर द रिसोर्स, बिल्कुल कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई एक बर्ड है, एक फिश है, फ्लैमिंगोज हैं, फिशेज हैं, दोनों शैलो वाटर में रहती हैं, अमेरिका के अंदर देखा गया, अमेरिकन लेक्स में, और वो जू प्लैंकटन, दोनों ही जू प्लैंकटन को खाती हैं। तो ये तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया फॉर द रिसोर्स, फॉर द फूड। ओके, कंपटीशन ऑकर्स, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्स खाने का हो तभी लड़ाई होगी, कंपटीशन तब भी हो सकता है जब अबंडेंट रिसोर्सेज हों। ऐसे में जो कंपटीशन होता है उसको कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। यानी इंटरफेयर कर रहा है, वर्ड है इंटरफेरेंस, दुखी कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड, एक स्पीशीज की जो खाने की शक्ति है, खाने की क्षमता है वो कम हो जाती है दूसरे की प्रेजेंस में, चाहे खाना कितना मर्जी पड़ा हो। जैसे कि राजा और प्रजा दोनों बैठे हुए हैं, खाना बहुत सारा पड़ा है, जब तक राजा नहीं खा लेता प्रजा नहीं खा सकती। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन के एविडेंसेस क्या है कि हम कैसे कहें कि हाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है? पहला एक एविडेंस है एबिंगडन टॉर्टोइस का, जो गैलापागोस आइलैंड में एक डिकेड के अंदर अंदर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बकरियों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया आइलैंड में। बकरियां और गोट्स तो बहुत एफिशिएंटली खाना खाती हैं, जब उन्होंने इतना तेजी से खाना खाना शुरू किया तो टॉर्टोइस जो थे वो तो बिल्कुल सैड हो गए, एक तरीके से साइड में हो गए और धीरे धीरे वो खत्म होने लगे। तो ये एक एविडेंस है, ये शो करता है कि कॉम्पिटिशन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज वर्ड है, रिलीज क्या है मतलब इसका? कि अगर दो स्पीशीज में से एक स्पीशीज को मैं कहीं और ले जाऊँ, जो तंग करने वाली स्पीशीज थी मैं उसको कहीं और फॉरेन कंट्री भेज दूँ कि तू जा बाहर, इनको छोड़ दे, जो कम एक्टिव लोग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो कम एक्टिव ऑर्गेनिजम्स थे वो अपना एरिया बढ़ा लेंगे, अपने आप को अपना उनका जो डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज, इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ अ स्पीशीज व्हेन द कॉम्पिटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड। अगर हमने एक कॉम्पिटिंग स्पीशीज को रिमूव कर दिया तो दूसरी स्पीशीज का एरिया बढ़ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट किया है कॉनेल्स के लिए, एक्सपेरिमेंट कहलाया। उसने स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट पे काम किया, वहाँ पर गया, वहाँ पर दो तरीके के बार्निकल्स थे, एक बैलेनस जो बड़ा था और सुपीरियर था, एक कैथेलमस जो स्मॉल था और इन्फीरियर भी था, ठीक है। तो उसने क्या किया, बैलेनस को हटा दिया एक्सपेरिमेंटली, उस एरिया से बैलेनस को हटा दिया। तो क्या देखा, कैथेलमस तो बिल्कुल इसने अपना एरिया बढ़ा लिया, वो तो बड़ा हैप्पी हो गया, सारा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बढ़ गया, एक्सपैंड कर गया। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। गॉज ने भी इस कॉम्पिटिशन के बारे में कहा
और उसके प्रिंसिपल को कहा गया गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं इस पहले इसको पढ़ देती हूँ आपके सामने। इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। उसने कहा कि दो जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जो एक ही रिसोर्स के लिए लड़ाई कर रही हैं वो कभी इकट्ठा नहीं रह सकती और लंबे समय के बाद कुछ समय के बाद जो इन्फीरियर थी उसको एलिमिनेट होना ही पड़ता है, एक्सक्लूड होना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है। एक्सक्लूजन लेकिन ये कब होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। क्या ये एक्चुअली में नेचर में हो रहा है? अगर ऐसा होता तो बहुत सारी स्पीशीज तो अभी तक एक्सटिंक्ट हो गई होती। तो फिर क्या करते हैं स्पीशीज जो जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा है वो इवॉल्व, उन्होंने ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए कि वो अपने दुश्मन के साथ भी रह सकती थी, को एग्जिस्ट कर सकती थी बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। जो रिसोर्स है उनके पास उसको पार्टीशन कर लिया। ओके, जैसे कि ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दिखा रहा है कि एक ट्री के ऊपर येलो कलर की बर्ड्स जो है बड़े अच्छे से खाना वाना खा रही हैं। बाद में थोड़ा सेकंड डायग्राम में देखिए रेड बर्ड आ गई, तो अब तो उनके बीच में कंपटीशन हो गया। तो अब इन्होंने ऐसा नहीं किया कि भी येलो वालों को भगा दिया, बल्कि इन्होंने बांट लिया अपना एरिया। येलो वाली थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे चली गई और रेड वाली बीच में खाना खाने लगी। तो दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसी को रिसोर्स पार्टीशनिंग को मैकआर्थर ने भी एक्सप्लेन किया वार्बलर्स बर्ड के थ्रू। फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स जो एक ही पेड़ के ऊपर रह रही थी, ये डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है और लिखा हुआ है फॉरेजिंग हाइट इन फीट। ये पेड़ है जो 60 फीट ऊंचा है। पांचों तरीके की बर्ड्स ने अपना अपना एरिया बांट लिया। जैसे कि केप में वार्बलर थी, उसने 50 से 60 फीट वाली हाइट वाला एरिया ढूंढ लिया कि मैं इस वाले एरिया में खाऊंगी खाना। दूसरी बर्ड है ब्लैक ब्यूमिंग वार्बलर, जिसने 40 से 50 फीट वाला हाइट ले लिया कि भाई मेरा एरिया ये है, मैं यहाँ पर खाना खाऊंगी। नेक्स्ट है ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वार्बलर, जिसने एरिया ले लिया 30 to 40 फीट वाला। फिर बे ब्रेस्टेड वार्बलर ने ले लिया एरिया 20 to 30 वाला, और जो नीचे वाला एरिया था वो माइटल वार्बलर ने ले लिया। तो एरिया डिवाइड कर लिया, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लिया। इज इट क्लियर? सो दे को एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड नहीं हुए बल्कि दे को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। आई थिंक इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द, यू कैन सेंड द क्वेश्चन थ्रू द बॉक्स जो नीचे है आपका, उस बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, करी भेज सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी। स्टे विद मी फॉर 20 minutes क्वालिटी टाइम। इसके बाद एक और रिक्वेस्ट है मेरे पास आपके लिए कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ फॉर एवरीवन, ताकि मेरी जो वीडियो अपलोड हो वो आपको स्क्रीन पर दिख जाए, आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।